आज आपने राज्यसभा में देखा है कि जब बार बार अब तक ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आज सुबह बिजनेस में लिस्ट भी हुआ सप्लीमेंट्री में, और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा और दोपहर होगा, लीडर ऑफ द हाउस भी इसमें एग्रीड है। और जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है भाग रहे हैं। द ऑपोजिशन इज रनिंग अवे। दे हैव बीन डिमांडिंग इवन अंडर 176 द नेम्स ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स विच आर फाउंड इन टूडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स। एंड आई फॉर योर सेक रिकॉल द नेम्स, जॉन ब्रिटास, एडीसी ए डी सिंह, ऑल रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर्स, मनोज, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, फौसिया खान, ए रहीम जी, रंजीत रंजन, श्रीमती रंजीत रंजन, जी सी चंद्रशेखर जी, फूलो देवी नेट्टम जी एंड एलमरम करीम। देर ऑल पीपल फ्रॉम द ऑपोजिशन हु वॉन्टेड इट अंडर 176। Now on that very 176 we have agreed and included all their names because they had also asked under 176. Now just to draw a distinction, these are decided by the chair, and if anyone would want to ask saying why not under 267, I just want to highlight 267 is if there is such a sense of urgency. Yes, such a sense of urgency, but obviously 8 days have gone, people have gone to Manipur and come back, they have heard people speak to them. Now we are meeting and talking about it. Wouldn't they want to speak as to what they heard in Manipur? जो मणिपुर जा करके उधर लोगों के साथ बैठकर बात करके कैंप में या कहीं और में वो जो सुना, वो बातों को इधर रखिए ना हाउस में। आपको क्या अभी संकोच किस वजह से? आखिरकार आप ही तो अभी तक डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। पहले से हम तैयार थे, अभी लिस्ट भी हो गया है, अभी नाम भी लिस्ट आउट करके आज शुरू कर रहे हैं, अभी आने के लिए आप तैयार नहीं है। इससे मैं मीडिया के द्वारा भारत में हर नागरिक को ये जानकारी देना चाहती हूँ, विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है। हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था।